आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसे हम टिक्की गोलगप्पों के साथ खाते हैं, पकौड़ों के साथ खाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने ये वाली इमली, इसमें बीज नहीं होते हैं, ये वाली इमली ली है मैंने। ये 200 ग्राम के करीब इमली है। इसको हम गर्म पानी में भिगोएंगे। मैंने 200 ग्राम इमली को 1.5 गिलास पानी डाल के भिगो लिया था। अब इसको हम इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इमली का पल्प बनाने के लिए इसमें ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। मैंने ले लिया एक बाउल और एक छन्नी। अब मैंने जो इमली के पेस्ट को ग्राइंड कर लिया, मैं इस पल्प को निकालूंगी इस छन्नी की हेल्प से। इसमें जो रेशे वगैरह है वो सब निकल जाए ऐसे। देखिए आप, ये निकलना शुरू हो गया है। ऐसे करके मैं सारे इमली के पल्प को छान लूंगी। ग्राइंड की हुई इमली से मैंने निकाल लिया, देखिए इतना सारा पल्प छन्नी की हेल्प से, इसमें रेशे वगैरह रह गए हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। आइए इमली की चटनी बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम शुगर पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हींग, 1 टेबलस्पून सौंफ, इसको अदरक का पाउडर भी बोलते हैं, 1 टेबलस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस कुकर लिया है ऑन, उस पर रख लिया कढ़ाई। इसके अंदर डाले मैंने 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और इसमें डालने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब जीरा। मेरा जीरा चटक जाए, और गैस के फ्लेम को रखिए बिल्कुल लो। और इस पर मैंने डाल दिया है हींग, ये 1/2 टेबलस्पून के करीब है। ये डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी इमली का पल्प ऐसे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गुड़, ये 100 ग्राम के करीब है। मैंने 200 ग्राम इमली ली थी, इसलिए मैंने गुड़ और शुगर पाउडर की मात्रा आधी आधी ली है, 100-100 ग्राम ली है। गुड़ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप इसमें गुड़ ही इस्तेमाल करें, और ज्यादा डार्क ना हो जाए इसलिए मैंने शुगर पाउडर इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं शुगर पाउडर, उसको मिलाऊंगी और इसको पकाऊंगी जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता गुड़। मैं इसमें डालने जा रही हूँ मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर जो 1 टेबल स्पून के करीब है, 1 टेबलस्पून नमक, आप कम ज्यादा डाल सकते हैं मैं स्वाद के अकॉर्डिंग, और 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। अब मैं इसको मिलाऊंगी और ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। हमारी इमली की चटनी बनकर रेडी है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर आया है इसमें से, सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा बनाया है। आप शुरू में कम ट्राई कर सकते हैं, ये सच में बहुत अच्छी बनती है और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी महक आ रही है। हमारी इमली की चटनी बनकर रेडी है। आप इसे ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आप इसे टिक्की गोलगप्पों के साथ, पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।